और एक बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के बांद्रा में बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया है। हादसे में एक की मौत और चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। मलबे में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो मुंबई के बांद्रा में एक बिल्डिंग गिर गई, देखिए तस्वीरें आपको मौके से दिखा रहे हैं। एक की मौत की खबर है, चार लोग घायल बताए जा रहे हैं और मलबे में अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। मुंबई के बांद्रा की ये घटना है, देखिए रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है मलबे में से, जो लोग दबे हुए उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं एक की मौत की अपडेट भी है। मुंबई के बांद्रा में बिल्डिंग गिरने से एक की मौत हो गई है, चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमारी सहयोगी शिवांगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई, उनसे बात करते हैं। शिवांगी, अभी वहां क्या हालात है, कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है? देखिए अंजलि, आपको बता दें कि अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और इसीलिए अभी भी रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है। डेब्रीज को अभी भी निकाला जा रहा है। साथ ही इस पूरी घटना में आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और जो वहां पर स्थानीय विधायक हैं जीशान सिद्दीकी, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो प्रशासन है वहां पर उसका साथ दे रहे हैं। और साफ तौर पर आपको बता दें कि अभी ये बताना मुश्किल होगा कि और कितने लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि देर रात ये घटना घटी है और ये बताया जा रहा है प्राथमिक जानकारी कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो है वो ढहा है। क्यों ढहा है, क्या कारण है इसके ढहने का, क्या बिल्डिंग को कोई नोटिस दिया गया था, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल प्रशासन की पहली इस वक्त जो जरूरी चीज है वो ये कि डेब्रीज को हटाया जाए और अगर और भी लोग फंसे हैं इसमें तो उनको निकालने का प्रयास अभी भी निरंतर जारी है यहाँ पर। अंजलि, शिवांगी नजर आप बनाए रखिएगा, शुक्रिया अपडेट देने के लिए। और तस्वीरों में नजर आ रहा है कि बारिश भी काफी ज्यादा वहां पर हो रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही है। मलबे में अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। बांद्रा में एक बिल्डिंग गिर गई है, एक की मौत, चार घायल, फिलहाल ये अपडेट है। डेढ़ बजे हादसा हुआ है, जैसे हादसा हुआ मुझे भी फोन आया, फायर ब्रिगेड भी इधर पहुंची, पुलिस भी पहुंची। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक यंग लड़का अपने 20s में होएगा, 26-27 साल का, उसकी मृत्यु हो गई है। लड़का बिहार से रियाज करते उसका नाम है। उसके परिवार वालों से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं मगर रात के 4:30-5 बजे, इसीलिए उसके फैमिली से अभी संपर्क नहीं हो पा रही है। मगर एक घर के गिरने की वजह से आजू बाजू जो 3-4 घर थे उन पर भी मलबा गया है और अभी इतनी बारिश में मलबा पड़ा हुआ है और फायर ब्रिगेड और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है सब लगी हुई है। लोकल लोग भी हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। हम सब मलबा निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही दुआ और प्रार्थना करते हैं कि कोई मलबे के अंदर अटका ना हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।